कुछ लोगों का जीवन अपने आप में एक कहानी होता है। उन्हें पढ़ते हुए, उन्हें सुनते हुए, उनकी बातें याद करते हुए उनके जीवन को समझने में दुख, संवेदना, दर्द के साथ साथ आप एक ऐसे दौर में गुजर जाते हैं जो अपने आप में नज्म और गजल की शक्ल ले लेता है। आज शुक्रवार है, मैं जयप्रकाश पांडे हूँ, आप साहित्य तक पर हैं और मैं वादे के मुताबिक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। लेकिन मेरे पास दो पुस्तकें हैं जिन पर मैं चर्चा करूँगा। रचनाकार एक हैं, पाकिस्तानी शायरा सारा शगुप्ता। इस एक पहली पुस्तक है आंखें और दूसरी पुस्तक है नींद का रंग। इनका लिप्यंतरण और संपादन अर्जुमंद आरा ने किया। अर्जुमंद आरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में प्रोफेसर हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उर्दू आलोचना और अनुवाद के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। धर्मवीर भारती, अरुंधति राय, विभूति नारायण राय, मुशीरुल हसन, गार्गी चक्रवर्ती और राल्फ रसल की उर्दू शायरी और गालिब के जो ब्रिटिश विशेषज्ञ हैं, अतीक रहीमी जो अफगानिस्तान मूल के फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, हसन ब्लासिम जो इराकी कथाकार हैं, तैयब साली जो सूडानी उपन्यासकार हैं, ताहर बिन जल्लून मोरक्को मूल के फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, इन सब के उपन्यासों और जीवनियों का उर्दू में तर्जुमा कर चुकी हैं अर्जुमंद आरा जी। अनुवाद के लिए उर्दू अकादमी ने उन्हें सम्मानित भी किया है। अर्जुमंद आरा ने इस पुस्तक को, सारा शगुप्ता की पुस्तक को क्यों लिप्यांतरित किया, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पुस्तक में सारा शगुप्ता की कुछ नज्मों को सुनाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अर्जुमंद आरा और हमारे दौर के दूसरे महत्वपूर्ण लोगों ने इस पाकिस्तानी शायरा के बारे में क्या कुछ लिखा। एक ऐसी शायरा जो 31 अक्टूबर 1954 को गुजरांवाला, जो पंजाब कहा जाता है लेकिन पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पे पैदा हुई, गरीब परिवार में जन्म हुआ। जब 14 साल की थी तो उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद 3 साल में ही वो 3 बच्चों की माँ बन गई। इसके अलावा उसी दौरान गरीबी में इनका कहना है कि सब्जी के खर्चे से सिक्के बचा बचा कर उन्होंने उस दौरान किताबें खरीदी और पढ़ाई की और इम्तहान पास किया। पढ़ने का शौक चढ़ा तो उस दौरान जो 10 साल तक चली शादी और 3 बच्चों का जो जन्म हुआ, वो तलाक के बाद इनके पति छीन के ले गए। इसके बाद 3 शादियां इनकी और हुई। अब इनके दोस्तों का कहना है कि वो जो 3 शादियां हुई वो लंबे समय तक नहीं चली। जो दूसरा पति था वो शायर था, इनकी शायरी से रुचि बढ़ रही थी तो ये उसके साथ चली गई। उस शायर पति को ये शक हुआ कि ये इसका मेरे दोस्त के साथ मोहब्बत, तो उसने छोड़ दिया। जो दोस्त था वो ले नहीं गया। उस दौरान उनसे एक बच्चा हुआ। उस बच्चे को जब वो अस्पताल में लेकर गई, 300 रुपये अस्पताल वाले को देने थे, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये भाग के किसी उसी दशा में किसी से गई, 300 रुपये उधार लेकर आई और 295 रुपये का बिल चुकाया अस्पताल को और 5 रुपये बचे। इन्होंने अस्पताल वालों को कहा कि तुम इस बच्चे की कब्र जहां मन करे वहां दफन कर दो। पूरा का पूरा जीवन उनका संघर्षों का जीवन था। लेकिन इस बीच कई बातें हुई। सारा शगुप्ता अपनी कहानी अमृता प्रीतम को लिखकर भेजती रही। अमृता प्रीतम जो पंजाबी की, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नामचीन लेखिका हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने पूरा एक उपन्यास सारा के जीवन पर लिख दिया। इसके बाद
अमृता प्रीतम को। कुछ दोस्तों का कहना है, पाकिस्तान के कुछ लोगों का, ये अर्जुमंद आरा ने लिखा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो सारा सगुप्ता के दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि वह सारा सगुप्ता दैहिक आवश्यकताओं को लेकर पागल थी। वह उनकी मानसिक बीमारी की स्थिति में पहुंच गया था, बावजूद उसके वो इतनी जहीन थी कि उनको पता था कि मेरी जो कहानी है, मेरी जो दर्द की कहानी है, मेरी जो शायर के प्रति जो दीवानगी है, वे बातें अमृता प्रीतम से बेहतर ढंग से कोई नहीं लिख सकता। इसलिए वे अपनी आप बीती अमृता प्रीतम को चिट्ठी में लिखकर भेजती रही और एक थी सारा यह उपन्यास अमृता प्रीतम ने सारा सगुप्ता के जीवन पर लिखा और वह जिंदगीनामा इस कदर दर्ज हुआ कि सारा सगुप्ता, जिन्होंने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी 1984 में, उनके मरने के बाद उनके दोस्तों ने आंखें पहले और नींद का रंग, ये दो पुस्तकें प्रकाशित की। इस पुस्तक में अर्जुमंद आरा ने सारा सगुप्ता की जीवन की बातें, उनकी अपनी कहानी, अमृता प्रीतम की उनके बारे में क्या सोच रही है, उनके दोस्तों ने उनको क्या समझा, सारा दानिश इकबाल का भी जिक्र किया है कि सारा का सारा आसमान। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न ने उनके जीवन पर जो ड्रामा सीरियल बनाया था उसका भी जिक्र किया है, अंग्रेजी में भी जो कुछ लिखा गया है। सारा सगुप्ता पर पूरी दुनिया में जो काम किया है उन सबका उल्लेख किया है और यहाँ तक कि अमृता प्रीतम ने जो सारा सगुप्ता के न होने पे लिखा था, बुरा कीतु ऐ साहिबा, उसको भी इस पुस्तक में रखा है और बेहद मार्मिकता के साथ इन दोनों खंडों को हिंदी में उन्होंने लाया है, हिंदी जगत के लिए, हिंदी गज़ल नज्म, उर्दू नज्म गज़ल, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य के लिए। यह एक बहुत बड़ी देन है अर्जुमंद आरा की। मैं कुछ नज़में इसमें से पढ़ता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सारा सगुप्ता तमाम संघर्षों के बावजूद 14 साल से 30 साल की उम्र के बीच वह क्या महसूसती रही और वह दर्द या उनकी भावनाएं किस तरह से उनकी नज़मों में प्रकट हुआ। कोई कपड़े कैसे बदल गया, मैं अपने लिबास फेंकती जा रही हूँ, शायद कोई ठिठुरता हो, कल तुम्हें बांट देगी और मिट्टी पे कोई सीधी राह नहीं है। चराग ने चुगली सीखी और कतार में फासला रखा, वो वहीं रह गया जहाँ से मुझे चलना था। दाग किसकी चिता पे चलेंगे, टूटे खिलौने हाथों से आज़ाद हैं, खेल मैदानों में रहने लगे, बिन रस्सियों पे बजाई जाने लगी, परिंदों के चहचहाने से बल पड़ गए, मैं कफन हारने चली थी और मिट्टी दरियाफ्त कर बैठी, मैं कफन हारने चली थी और मिट्टी दरियाफ्त कर बैठी, दीवारों में ईंटें मरने लगी, मैं उतरी हूँ, तुम्हारे कदम क्यों घट रहे हैं। दार ने रिहाई पाई, कोई नया हजा तकसीम करो, लहू में आवाज़ रह गई, कोई कैसे कपड़े बदल गया। दार का अर्थ है फांसी का तख्ता, यानी दार ने रिहाई पाई, कोई नई सजा तकसीम करो, लहू में आवाज़ रह गई, कोई कैसे कपड़े बदल गया। इनकी नज़मों की खासियत यह है कि ये सामान्य होते हुए भी असामान्य है, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे संकलन से भी कुछ पढ़ देता हूँ, यह संकलन थोड़ा बड़ा है। कब्र मुझे देख रही है, मैं आँखों का दुख हूँ और मेरे सपनों का दाग आँखें, बिन पेड़ के कहीं भी साया नहीं, मेरे बच्चों के दुख थे मेरे यूनिफॉर्म पे पड़े हुए धब्बे, मेरे लहू की तन्हाइयाँ चाट रही थी, शहर की मुंडेर से तिनके चुराए थे, सूरज ने दुख बना दिए, सफ़र के साथ तू ही नहीं मैं भी थी, मेरी कब्र मुझसे छुप कर मुझे देख रही थी। बहुत छोटी सी चार लाइनों में आप समझिए, मैदान खत, इशारे के पीछे हाथ था, सौ हाथ समेट के उसने हथेली छुपाई और तुम्हारी तकदीर हुई,
पहले कदम पे मैदान खत्म है। ऐसी ही दो दो पंक्तियां भी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक की आखिरी नज्म जो उन्होंने लोक यायावर देवेंद्र सत्यार्थी, जो पंजाबी के और भारत पाकिस्तान के एक महान कवि घुमक्कड़ यायावर लेखक थे, जिनके बारे में गांधी ने कहा था कि मेरे और नेहरू के सारे भाषण एक तराजू पर रख दिए जाएं और सत्यार्थी का पंजाबी का केवल एक लोकगीत रख दिया जाए तो उस गीत का पलड़ा भारी होगा, उस सत्यार्थी के लिए उन्होंने लिखा है, सत्यार्थी के नाम मेरे दुख। खेलते खेलते जिस दिन मिट्टी मेरे पैरों की लकीरों से पागल हुई और शर्म जवान हुई, पहले दरवाजे खोए फिर गलियां खोई फिर लोग भी खो गए। जिस दिन माँ को छुपते हुए देखा मैं छुप गई, तो मेरे लहू के सांस खत्म हुए। मैं अपने बाप की कब्र पे कतबा लिखाई थी, सत्यार्थी मुझे बेटी ना कह, कि मैंने बिके हुए कपड़े पहने हुए हैं, अभी कपड़े गंदे हैं और गीले हैं, कुंज दरख्त और छांव मेरे बिकते ही राह हुए, मेरे हंसते ही गुनाह हुए, सत्यार्थी मुझे बेटी ना कह, मुझे मेरे मर्द की तरह लगे हो, क्या कहूँ लम्हा ही कुछ कह गया था, छुप जा लड़की छुप जा इस सीने में, इस जवान में बेटी धूप मुझे अपनी सांसों की तरह प्यारी है, यह झूला मैंने पहली बार झूला है, क्या ही अच्छा होता अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ हंसती तो मैं जन्म लेती, अब हाथ मिलाऊं कि हाथ मलूं, सत्यार्थी मुझे बेटी ना कह, मेरी नीयत पे खुद ही टांके लग गए थे पर बेटी धूप से पहले। कितनी उम्दा नज्म है, अमृता प्रीतम ने लिखा है। मैंने आसमान से एक तारा टूटते हुए देखा है, बहुत तेजी से आसमान के जहन में एक जलती हुई लकीर खींचता हुआ, जो तारा मैंने टूटता हुआ देखा उसका भी एक नाम था, सारा सगुफ्ता। उस तारे के टूटते वक्त आसमान के जहन में जो लंबी और जलती हुई लकीर खींच गई थी, वह लकीर सारा सगुफ्ता की नज्म थी। आंखें संग्रह का मूल्य 150 रुपये है। इन दोनों संग्रहों को राजकमल ने प्रकाशित किया है, राजकमल पेपर बैग्स के तहत प्रकाशित हुई हैं ये पुस्तकें। आंखें का मूल्य 150 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 126, और नींद का रंग, इसके भी प्रकाशक राजकमल पेपर बैग्स हैं, इस पुस्तक का मूल्य है 199 रुपये और पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। शुक्रवार को मैं काव्य संग्रहों की चर्चा करता हूँ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।